इन क्वेश्चन नंबर सिक्स इट इज आस्किंग दैट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर. ओके, तो देखो यस सर. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर. वन नाइन मेटल. ओके, यस सर. इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन वेवलेंथ. वेवलेंथ दिया हुआ है 1 नैनोमीटर एंड यू नो दैट दिस इज 10 to the power -9 मीटर. ठीक है, तो हमें निकालना क्या, हमको यस इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब ई के. ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m ई के. ओके, तो सबसे पहले हमें देखो ई के निकालने के लिए स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट यस हटाने सर. के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m ई के. सर आवाज कट कट के आ रही है. ओके, क्या अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो पता नहीं ऐसे कुछ पीछे से भी आवाज आ रहा है. जी पता नहीं, डिस्टर्बिंग आवाज. इधर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा. माइक माइक का ही कोई प्रॉब्लम. यस सर अभी भी हो रहा है. यस सर. काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m एम लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा स्क्वायर. ओके, यस सर. वैल्यू पुट कर दो. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें एग्जाम में दिया रहेगा 6.6 इनटू 10 to the power -34 टू द स्क्वायर अपॉन 2. इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31. और बताओ लैम्डा, लैम्डा कितना दिया हुआ? 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर मीन्स यस सर. 10 to the power -9 मीटर. अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस ओके इज द सर. काइनेटिक एनर्जी एंड योर आंसर इज इन जूल. आंसर जूल में आएगा. ठीक है, यस सर. और 1.6 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. ओके, यस सर. ठीक है, अब देखो अब अगला क्वेश्चन. एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है. इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड ऑफ अ फोटो सेल ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. ठीक है, व्हेन यस फोटॉन ऑफ वेवलेंथ आर इंसिडेंट ऑन इट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट लैम्डा. ओके, तो क्वेश्चन यस को ध्यान से पढ़ो. इस क्वेश्चन में फोटो सेल का कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो. इस क्वेश्चन में फोटो सेल का कॉन्सेप्ट है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, यस सर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और बताओ इस क्वेश्चन में क्या निकालना है.
क्वेश्चन में निकालना है वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? उसका डी ब्रॉगली का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। नो नो नो, एम इंटू बी नहीं, काइनेटिक पहले वाला, एनर्जी के टर्म्स में। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है? अच्छा वही वाला, ये लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट टू एम, ये वाला के एच अपॉन ई के। हाँ रूट टू एम ई के, एच अपॉन रूट टू एम ई के। ओके, ई के। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली के क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम ई के। दिस यस सर। फॉर्मूला इज मैक्सिमम यूजिंग। तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तभी निकलेगा जब हमको ई के पता होगा। अगर ई के अगर पता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यस निकल सर। जाएगा। ओके, हाँ तो अब जरा बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है? व्हाट यस सर। इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही वाला, तो मतलब डी ब्रॉगली के फॉर्म में या सिर्फ अलग वाला जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी ना एच पिछले? म्यू इक्वल्स टू ये वाला, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, एच न्यू, हाँ सॉरी एच म्यू, एच न्यू इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब व्हाट इज फाई? फाई व्हाट इज फाई? फ्रीक्वेंसी नहीं, हाँ, फ्रीक्वेंसी। फाई का मतलब मैंने क्या बताया था? फाई का मतलब वर्क फंक्शन। फाई का मतलब होता है वर्क फंक्शन, ठीक है? फाई यस सर। का मतलब वर्क फंक्शन, और फाई प्लस ई के। तो बताओ इस क्वेश्चन में तुमसे ये बोल रहा है कि वर्क फंक्शन नेगलिजिबल है, वर्क फंक्शन इज नेगलिजिबल। ओके, तो यस सर। वर्क फंक्शन नेगलिजिबल है, और बताओ क्वेश्चन में तुम्हें लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है तो यू की जगह क्या रखेंगे? सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। और बताओ क्वेश्चन में वर्क फंक्शन क्या है? नेगलिजिबल, तो फाई की जगह जीरो रखेंगे यस प्लस सर। ई के। ओके, तो बताओ यहाँ से यस ई सर। के निकल जाएगा, ईके निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। व्हाट इज इक्वल टू ईके, कितना आएगा? ई के इक्वल्स टू ये म्यू है, एच ई बाय म्यू प्लस फाइव सर। ये ओ जीरो लिखे आप। अरे भाई जीरो है ना ये, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया वर्क हाँ हाँ फंक्शन नेगलिजिबल है, तो नेगलिजिबल हाँ का हाँ मतलब क्या जीरो होता है? ही होगा नेगलिजिबल का मतलब जीरो जीरो। होता है ना। हाँ हाँ फाई क्या है? फाई का मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है? जीरो। यस सर। फाई की जगह जीरो रखेंगे। व्हाट इज ईके? ईके कितना आएगा? ईके ईके इक्वल्स टू एच सी वाई फाइव। क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा है ना। अरे हाँ सॉरी एच सी वाई लैम्डा, भाई फाइव इसको को एच सी बाई जीरो लैम्डा बोला जाता है। यस सर। सर वो एक्चुअली फाइव एम, गलती से बोल दिया। ठीक है, तो एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ। ओके, अब देखो तुमको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम्हें पता है? तो यस सर। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई अंडर रूट टू एम। सर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या कैसे काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मल? मैंने बोला ना काइनेटिक एनर्जी। हाँ तो एच बाई अंडर रूट टू एम ई के। यस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम ई के। ओके, दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लैम्डा ई से
रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्ट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक राइट, है। ये फॉर्मूला है ठीक है, याद रखना सुपर यस सर। फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में ई के वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू पुट करेंगे क्या आया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एच बाय, काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लेमडा है, तो लेमडा ई इक्वल्स टू एच बाय टू एम एच सी बाय लेमडा हो जाएगा, ठीक है, ये रूट लैम्डा ऊपर लेमडा चला ऊपर जाएगा, चला गया। रूट लैम्डा, तो हाँ रूट लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो एच इनटू रूट अंडर लैम्डा रूट लेमडा अपॉन बाई अंडर टू एम एच सी। एच इनटू सी। ओके, अब बताओ ये जो एच जो रूट के बाहर है, ये जो एच जो रूट के बाहर है, तो इसको अगर हम रूट के अंदर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और ये रूट के अंदर अगर जाएगा तो इस एच को क्या लिखेंगे, लैम्डा इनटू सेम। एच स्क्वायर, हाँ रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर जब जाता है तो स्क्वायर हो जाता है ठीक है, यस सर। और ये हो गया अपॉन 2m एच इनटू सी, एक एच कैंसिल हो गया, यस सर। तो जब एक एच कैंसिल होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू रूट एच लैम्डा लैम्डा एच बाई टू एम सी। 2 mc। ओके, तो ये आ गया, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, यस सर। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेरी ओके, यस सर। आगे समझ में, यस सर। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन में देखो दो दो कॉन्सेप्ट यूज किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक का भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देयर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। तो फोटो इलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा करके पहले हम लोग क्या करेंगे, ई के निकाल लेंगे, ई के मीन्स यस काइनेटिक एनर्जी, और फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में ई के की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके यस सर। चल ठीक, अब देखो लास्ट इसमें एक और क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का ही है, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा यस सर। है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटॉन एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटॉन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द मास एम, स्पीड ऑफ लाइट सी एंड प्लैंक कांस्टेंट। ओके, मतलब तुमको इस क्वेश्चन में यस क्या सर। निकालना है, व्हाट इज फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में निकालना है रेशियो, निकालना है एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। नहीं, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। द वेवलेंथ लैम्डा, एक सेकेंड, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम वैल्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मास, स्पीड ऑफ लाइट सी एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों निकालना है एनर्जी रेशियो, निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन की मास के टर्म्स में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में और प्लैंक कॉन्स्टेंट में। रेशियो निकालना है एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यस सर। एनर्जी ऑफ फोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है ठीक है, क्वेश्चन को एक बार केयरफुली यस सर। बहुत ध्यान से पढ़ा करो तभी समझ में आएगा ठीक है। तो रेशियो तुम्हें एनर्जी का निकालना है, पहला एनर्जी किसका लिया जा रहा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स,
और दूसरा क्या लिया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का रेशियो। ओके, तो यस तुम एक सर, काम करना, तुम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, और दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ओके ठीक, यस सर, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक यस है, सर, तो अब जरा ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स तो ईपी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा। ओके, कभी लैम्डा, भी अगर तुमसे यस पूछा सर, जाए व्हाट इज द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, तो तुम्हें बताना होगा ईपी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अभी मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स हाँ, यस क्वांटम सर, थ्योरी में मैंने तुम्हें बताया था कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यस सर, ओके, अब देखो, अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में तुमसे यही बोल रहा है कि ये काइनेटिक जो एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स और डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ दोनों सेम है। बताओ सेम वैल्यू फोटॉन, है, फोटॉन का वेवलेंथ यहाँ कितना दिया हुआ है, ये देखो सामने क्या लिखा है। E equals to h c by lambda। नहीं, वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवलेंथ तो h by सामने अंडर सामने रूट देखो ये क्या लिखा वाला, हुआ है। h by नहीं, अंडर यहाँ रूट तुमसे ये em। पूछना है कि वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट एच लैम्डा बाई 2 mc ये वाला। लैम्डा है ना, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ तो क्वेश्चन में तुमसे ही बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स और डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ दोनों सेम है, इट मींस डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ भी हम लोग क्या लेंगे। डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ हम लोग वही लेंगे जो लैम्डा, लैम्डा ई। लैम्डा ही नहीं भाई, लैम्डा ना लेंगे, हाँ वेवलेंथ लैम्डा सेम लेंगे, है ना। जैसे हाँ, प्रोटॉन का दोनों वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ भी क्या होगा, लैम्डा होगा। क्यों, समझ क्योंकि गए, हाँ समझ गए सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स आर सेम, दोनों सेम वैल्यू है। सेम है, तो इसलिए डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ को भी लैम्डा से ही यस सर, रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज एच अपॉन रूट 2 m ई के, यही फॉर्मूला है ना। यस सर, तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर 2 mE के। ओके, स्क्वायर कट जाएगा। बताओ यहाँ से ईके निकल जाएगा, व्हाट हाँ इज ईके, काइनेटिक ईके काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। यस सर, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड यस कर सर, देंगे। डिवाइड इक्वेशन वन
ठीक है। तो जब ठीक दोनों को डिवाइड करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। मीन्स ईपी यस सर, अपॉन ईके, दिस इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ईपी यस क्या सर, है, एच सी बाई लैम्डा अपॉन, और ईके क्या है, व्हाट इज ईके, एच स्क्वायर। इसी का ओके, बाई 2 m लैम्डा स्क्वायर। तो बताओ, ये तो रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला तो रिवर्स हो जाएगा ना, यस सर, तो नीचे हाँ वाले को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 m लैम्डा स्क्वायर एंड अपॉन यस सर, एच स्क्वायर, ठीक है। तो ईपी अपॉन ईके निकल जाएगा, यस सर, तो ईपी अपॉन ईके आएगा, तो बताओ इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, एच और एच कैंसिल हो गया, यस लैम्डा सर, से एक लैम्डा भी कैंसिल हो गया, लैम्डा कैंसिल हो तो गया, व्हाट क्या बचा, 2 m into c बचा 2 m into c और अपॉन एच। ओके, एच। एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। यस सर, समझ गया। ओके, आगे समझ में, तो सिंपल है क्वेश्चन, वैसा हाँ कुछ सर, भी नहीं है। रेशियो निकालना था, एनर्जी ऑफ फोटॉन और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना था। तो सबसे पहले क्या यस करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन लिख लेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और दोनों को फिर लास्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, ठीक। यस सर, तो देखो, मैंने जो मटेरियल्स भेजा है उसमें से क्वेश्चंस तुम लगाते रहो, ठीक है। मैंने एक यस सर, मटेरियल भेजा है ना एमटीजी का, ठीक है, उसको बहुत ही सीरियस लो, उसको मजाक में बिल्कुल मत लो, ठीक है। नो सर, ओके, नाउ देयर इज अ न्यू चैप्टर, द नेम ऑफ न्यू चैप्टर इज एटम्स। एटम्स। देखो, ये पूरा इसका हिस्ट्री दिया हुआ है कि एटम्स को फर्स्ट टाइम कब एक्सप्लेन किया गया था। यस सर, डेमोक्रिटस इन द एंशिएंट ग्रीक्स 462-360 कॉल्ड एटम्स। प्रिवेलिंग आर्गुमेंट प्लेटो एंड एरिस्टोटल, मैटर इज यस सर, कंटिन्यूअसली एंड इनफाइनाइटली डिविजिबल। जॉन डॉल्टन 1800 री इंट्रोड्यूस्ड एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट टाइम जो है एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद देखो, अभी आता है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ऑल मैटर इज द इंडिविजिबल एटम्स। दूसरा, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। थर्ड, डिफरेंट एलिमेंट हैव एटम्स विथ डिफरेंट मासेस। फोर, केमिकल कंपाउंड आर मेड ऑफ एटम्स इन स्पेसिफिक इंटीजर रेशियो। फिफ्थ, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ओके, तो देयर आर 5 पॉइंट्स अबाउट द डॉल्टन्स यस एटॉमिक सर, थ्योरी। डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जे जे थॉम्सन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, और इस डिस्कवर के बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि एटम इज डिविजिबल। दिस इज एक्सप्लेन्स इन द जे जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, एंड इन दिस मॉडल ही प्रूव दैट एटम इज ऑल्सो डिविजिबल। ओके, एंड एटम फॉर्म विथ द यस इलेक्ट्रॉन्स। ये सामने देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक मिनट इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो, ये तुमको एक ग्लास की एक ट्यूब दिख रही होगी, ये ग्लास का एक ट्यूब है, एंड दिस इज इन कॉन्टेक्ट विथ द मैग्नेट यस सर, एंड विथ हाई वोल्टेज, एंड देयर इज द चार्ज प्लेट्स डिटेक्टिंग स्क्रीन कैथोड रेज। डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन चार्ज टू मास रेशियो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये तुम्हारा, इसको कैथोड ट्यूब बोला जाता है। दिस ग्लास ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज अ कैथोड ट्यूब। इसमें क्या होता है कि कैथोड की एक प्लेट होती है, कैथोड की प्लेट को हिट किया जाता है यस सर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है,
तो वो जो पार्टिकल्स जो इमिट होता है उसी पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, इट मींस यस दैट सर. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव. जे जे थॉमसन लेट 1800 परफॉर्म कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मेजर्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो, आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉन एज अ फंडामेंटल पार्टिकल. ओके, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. ओके, यस सर. ओके, दिस इज द यू नो दैट यू ऑल्सो स्टडी अबाउट दिस इन आर पीरियोडिक टेबल. दिस इज ऑल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइजेस. स्मॉल एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप एंड लार्ज साइज ऑफ एलिमेंट्स इन द लास्ट ग्रुप. ना जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना. अब फर्स्ट ग्रुप में देखो, फर्स्ट ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, एक मिनट. सबसे लास्ट में चला गया लग रहा है. हाँ ये देखो, इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड मास. तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम. और क्यू अपॉन एम चार्ज बाई मास का रेशियो अगर निकालेंगे तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी. रॉबर्ट मिलिकन 1906 स्टडी चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज ऑन ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज. चार्ज प्लस थॉमसन्स रिजल्ट गेव इलेक्ट्रॉन मास. अर्ली मॉडल्स ऑफ द एटम, डाल्टन्स एटम इंडिविजिबल, थॉमसन्स एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन मास वेरी स्मॉल, नो मेजरेबल वॉल्यूम, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एटम, पॉजिटिव चार्ज. तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है सबसे कम होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे कम मास जो होता है इलेक्ट्रॉन. थॉमसन्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल. Okay, according to the J.J. Thomson's, atom is like as a watermelon, yes, and electron distributed in the watermelon like as a seeds. Okay, मतलब J.J. Thomson's का ये कहना था कि एटम जो होता है बिल्कुल watermelons की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है. सीड्स लाइक जैसे वाटरमेलन में बिया होता है ना, सीड्स उसमें होता वाटरमेलन है. में जो सीड्स रहता है ओके, एकदम अलग अलग. अब देखो तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द जे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. ये देखो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस व्हिच इज एक्सप्लेन बाय द अर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस इन 1907 एंड दिस इज प्रूव बाय द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया गया था. ठीक है, स्केटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड फॉयल. गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है. मोस्ट पास थ्रू विदाउट सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन, अ फ्यू स्केटर्ड एट लार्ज एंगल्स. कंक्लूजन, एन एटम पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ स्मॉल मासिव न्यूक्लियस. लेटर पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स. जेम्स चैडविक ऑल्सो न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो देखो न्यूक्लियस के बारे में फर्स्ट टाइम किसने प्रूव किया था, रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो इसमें टोटल तीन कंक्लूजन दिया गया था अबाउट द न्यूक्लियस. ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल पहले एक बार पीपीटी देख लो. अब ये देखो ये तुम्हारा एक गोल्ड फॉयल है और देखो इस गोल्ड फॉयल पे
ये अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। ये सामने देखो एक रेडियम है, रेडियम इन होल ऑफ ए लेड ब्लॉक, और इस रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, और ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से जाकर के कोलाइड हो रहा है। ओके, तो देयर आर थ्री थ्री कंक्लूजन बाय दिस यस एक्सपेरिमेंट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज द डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये देखो दिस इज द प्लेनेटरी मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक एज अ प्लैनेट, क्लासिकल एटम्स प्रिडिक्शन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस, कर्व पाथ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो ये जो रदरफोर्ड मॉडल जो है, दिस इज द क्लासिकल मॉडल, और इसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर यस पाथ। बट देखो रदरफोर्ड मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो इससे लाइट जो है, लाइट एनर्जी रेडिएट हो रहा है। एक मिनट हाँ निकाल तो का बीच बीच में हाँ ये देखो ये आ गया बोहर्स थ्योरी। खैर हम लोग बोहर्स थ्योरी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स और जो है जेजे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आई थिंक जेजे थॉमसन्स तो एटॉमिक मॉडल तुम्हें समझ में आ गया होगा, उसमें ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जेजे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया ना कि इसको यस सर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नो वैसे भी सर जेजे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एग्जाम में नहीं आता है, बस ये याद रखना जेजे थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, तो देखो तो देखो क्या हो गया, एक मिनट हाँ ठीक है। तो देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक मिनट स्लो चल रहा है। थ्री पोस्टुलेशंस इन द बोहर एटॉमिक मॉडल्स, एंड दिस थ्री पोस्टुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोहर एटॉमिक मॉडल में तीन पोस्टुलेशन है और ये तीनों याद रखना। ठीक है, और ये जो तीनों पोस्टुलेशन जो दिया गया था, ओके सर इट एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल्स। रदरफोर्ड मॉडल्स में टोटल तीन ड्रॉबैक थे, तो इन तीनों ड्रॉबैक्स को प्रूफ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोवर्स ने तीन पोस्टुलेशन दिया था। पहला देखो ड्रॉबैक क्या था, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। रदरफोर्ड मॉडल्स में स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, व्हाई एटम्स आर स्टेबल। यस सर यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड न्यूक्लियस आर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो इट मींस देयर आर अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, सर एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर कोलैप्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बट यू नो दैट दिस इज नॉट अकरिंग इन द एटम्स। एटम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। क्यों? दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए और यस इलेक्ट्रॉन सर को न्यूक्लियस में कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये चीज रदरफोर्ड नो सर मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन बाय द बोर्स, नील्स बोर, इन द बोर एटॉमिक मॉडल्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया था अबाउट द यस स्टेबिलिटी सर ऑफ एटम्स।
अकॉर्डिंग टू द निल्स बोर, इफ इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इट मीन्स देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। ओके, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन जो हो रहा है उस अट्रैक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा। एंड सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड दिस इज डज नॉट मूव इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो एटम क्यों स्टेबल होता है ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है जिसके चलते इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैलेंस होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा नील्स बोर ने बताया था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में एंगुलर मोमेंटम भी पाया जाता है। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम एम इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन इन द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल्स में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, और ये एक्सप्लेन किया गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। तीसरा पॉइंट, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल नील्स बोहर एक्सप्लेन अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब एटम्स के अंदर भी स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। yes. और एटम्स के अंदर स्पेक्ट्रम कैसे क्रिएट होता है ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया गया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। अकॉर्डिंग टू द नील्स बोहर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है एंड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो यही था। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में टोटल तीन पॉइंट्स बताया गया था। पहला था अबाउट द स्टेबिलिटी, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, ये देखो ये फिर पीछे चला गया, एक मिनट। ये देखो, क्वांटम थ्योरी ऑफ द एटम लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट। देखो, किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का दो स्टेट पाया जाता है, एक होता है ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में मूव करता है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल्स टू द अनदर एनर्जी लेवल्स। n इज इक्वल टू वन से n इज इक्वल टू टू में, या n इज इक्वल टू टू से n इज इक्वल टू थ्री में। क्वांटम मैकेनिक्स, बोहर थ्योरी ओनली मॉडलेट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम अभी मैंने तुमको बताया ना, ये देखो, अभी जस्ट मैंने तुमको अभी दिखाया था, ये देखो ये जो है इसी को क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो जिसके चलते यहाँ वेवलेंथ क्रिएट होता है, और इस ट्रांजिशन को क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज टू टाइप्स, वन इज द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। ये देखो, ये जो है हाईर इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, थ्री से टू में आ रहा है या टू से वन में आ रहा है। तो एनर्जी अगर अपने लोअर स्टेट में आ रहा है तो इसको बोला जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो एनर्जी को अगर इमिट कर रहा है तो जिसके चलते लोअर स्टेट में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाई? बिकॉज इट इमिट्स द एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट। ओके, ये देखो, यस सर, लोअर स्टेट, ये तो तुमने उसमें पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी। देखो, अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना डी ब्रॉगली वाले में, वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल्स नेचर भी होता है।
यस सर, श्रोडिंगर मॉडल्स, द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर इन एटम्स, म्यूजिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का देखो ये ट्रांजिशन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब फालतू का दिया हुआ पेज अभी तक नहीं ओपन हुआ। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यस ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज पॉजिटिव, द सेंटर पार्ट्स ऑफ द एटम इज पॉजिटिव विच इज नोन एज न्यूक्लियस, विच इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके, तो एटम का जो सेंटर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। ओके, यही था तुम्हारा, दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और देखो इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सप्लेन किया गया था, दिस इज द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बोथ आर द डिफरेंट साइंटिस्ट एंड बोथ आर द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, और इन दोनों ने मिल करके यस सर न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक गोल्ड का न्यूक्लियस दिया था, गोल्ड एलिमेंट का। गोल्ड का ही क्यों लिया गया, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्यों गोल्ड लिया गया, सबसे पहला रीजन कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है 79, और एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा होगा। दूसरा, यू नो दैट गोल्ड इज अ मेलिएबल, गोल्ड जो होता है बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, मतलब इसको हम एक पेपर की तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। ओके, यही रीजन है कि यस गोल्ड सर। का न्यूक्लियस लिया जाता है। अब देखो इस पे अल्फा यस सर। पार्टिकल्स का देखो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, देखो सपोज दिस इज द अल्फा रेज व्हिच इज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ, ये सपोज अल्फा पार्टिकल्स है, और अल्फा रेज होता क्या है, यू नो दैट दिस इज यस सर। He+2, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सीधे गया और फिर वापस आ गया, यस सर। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, क्योंकि इससे कंक्लूजन तुम्हें ये मिल रहा है कि ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है,
और ये अल्फा पार्टिकल्स को रिपल कर रहा है. यू नो दैट अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव, और ये सीधे गया और वापस आ गया, इसका मतलब कि इसको क्या कर रहा है, रिपल कर यस रहा है ना, सर, और रिपल कर रहा है तभी ये वापस. इट मींस न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिव. यस सर, ओके, यस सर, अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स ऐसा भी है जो यहाँ से डेविएट हो रहा है. ये देखो, ये 90 डिग्री पे इस तरह से डेविएट हो गया. तो इससे क्या कंक्लूजन मिला? व्हाट इज द रीजन? इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि न्यूक्लियस इससे ये डेविएट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि तो डेविएट कर हाँ दिया ना. वो अट्रैक्ट कर ले रहा है तो डेविएट करने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, सॉरी स्ट्रांग है. न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब अल्फा पार्टिकल को तो डेविएट कर दे रहा है, लेकिन ये अपने ही हाँ पोजीशन पे क्या है, फिक्स है. तो सॉन्ग है इट मींस दिस इज वेरी स्ट्रांग. ओके, तीसरा पॉइंट, 99% अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग इन द यस सर, स्ट्रेट पाथ. यस सर, और 99% अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल सीधे दिशा गया. ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल सीधे जा रहा है. ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो, ये भी बिल्कुल सीधे जा रहा है. ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो, ये भी सीधे जा रहा यस है. सर, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ऐसा है जो बिल्कुल सीधे जा रहा है विदाउट एनी डेविएशन. यस सर, ये देखो रहा. तो इससे क्या कंक्लूजन मिला? यस सर, तो इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. द कंक्लूजन इज दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. अगर 99% अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे जा रहा है, इसका मतलब कि ये हुआ न्यूक्लियस जो है बहुत ही स्मॉल है. ओके, इट मींस दैट देयर आर थ्री कंक्लूजन इन दिस एक्सपेरिमेंट. न्यूक्लियस पहला बहुत छोटा है, कंक्लूजन ये था कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव. दूसरा यस सर, कंक्लूजन ये था न्यूक्लियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और यस तीसरा सर, कंक्लूजन था न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. ओके, देयर आर थ्री कंक्लूजन इन दिस एक्सपेरिमेंट अबाउट द न्यूक्लियस. ओके, इज इट क्लियर? यस सर, ओके, ठीक है. तो ठीक है, तो यही था, इसको तुम यस सर, लिख लेना अपने से इसके बारे में, ठीक है. यस सर, और नेक्स्ट टर्म पे हम इसके आगे और तुम्हें हम बता देंगे. नेक्स्ट टर्म पे तुम्हें बताया जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है. यस सर, ओके, आज के लिए केवल इतना ही. ओके, थैंक यू.